तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, फिल्म स्टार है बंगाल का गौरव। और पूरे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, ओले के साथ हुई बारिश, दिल्ली में सर्दी से 9 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूँ शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तव मेरा भाग्य में। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं शादी के विषय में। जी हाँ, शादी एक ऐसा विषय है जिससे कहीं ना कहीं हम सभी वाकिफ रहते हैं, ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्र चलती चली जाती है लेकिन शादी का बंधन बन ही नहीं पाता है। और तब सवालों का वो दौर शुरू होता है जब पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके दोस्त पूछते हैं कि शादी अब तक क्यों नहीं हुई है। अगर ऐसे ही सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं तो आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं जो कि वास्तु से जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ सभी मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। आइए सबसे पहले हम पुनीत जी का स्वागत करेंगे। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शादी में ये जानना चाहूंगी, क्या सच में वास्तु और शादी का कोई संबंध हो सकता है? देखिए, बहुत सी कॉल्स मेरे पास आती हैं और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी पूछते हैं कि भाई शादी नहीं हो रही है घर में तो वास्तु क्या दोष है। डेफिनेटली वास्तु का दोष घर में होता है, तभी हमें हर काम में जो जरूरी काम जिंदगी के होते हैं उसमें डीले मिलता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। आपके जी और लंबे भी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको नजर आ रहे होंगे, अगर ऐसी ही किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं या घर की कोई और समस्या है जो वास्तु से जुड़ी हुई है तो बेशक आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लगाइए और हमसे बात कीजिए। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप हमसे बात करते हैं टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ करके ही बात करें। और आज का टिप ऑफ द शो भी बेहद खास है और इसके अलावा वास्तु एलिमेंट भी होगा, लेकिन 5 अलग अलग मैजिकल टिप आज हम आपको देंगे और ये टिप जुड़े हैं आपकी शादी के साथ। तो देर ना करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं पहला मैजिकल टिप। दोस्तों, आपका जो मेन डोर है वह आपके घर में जो शादी होने लायक बच्चे हैं उनकी शादी में डिले कर सकता है। और ओवरऑल आप देखें कि जैसे ही आप इस गेट को, इस मेन डोर को ठीक करते हैं, आपकी शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिश्ते आने लगते हैं। साउथ वेस्ट का मेन डोर, मेन गेट हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि यह एनर्जीज को लीक कर देता है। तो साउथ वेस्ट का मेन डोर कभी ना रखें। अगर ऐसा है तो एक तांबे का स्वस्तिक यहाँ पे लगाएं ताकि आपके घर में जो डिलेज है वह दूर हो सके। इसके साथ साथ साउथ वेस्ट के लिए एक और हिदायत है कि लड़की को खासतौर से साउथ वेस्ट में कमरा ना दिया जाए। और अगर पुलिस से बात की जाए कि किसी खास दिन हम ये जो स्वास्तिक है तांबे का इसको लगा सकते हैं या इसके अलावा कोई इससे जुड़ी हुई रंग भी? देखिए, भगवान गणेश का दिन होता है तो बुधवार का दिन बहुत अच्छा माना जाता है स्वास्तिक लगाने के लिए। तो बिल्कुल आप बुधवार के दिन इस स्वास्तिक को स्थापित कर सकते हैं तो ज्यादा लाभ देगा। लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए, उनसे भी बात करनी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और शहडोल से हमारे साथ संतोष है, स्वागत है आपका संतोष जी। नमस्कार डॉक्टर चावला जी। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं डॉक्टर चावला ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपन ब्रह्म स्थान लेते हैं जी, वो प्लॉट के एरिया से बीचों बीच लेते हैं कि मकान के कंस्ट्रक्शन के एरिया से बीच में मानते हैं? कंस्ट्रक्शन एरिया का बीचों बीच आपने लेना है और 10% का एरिया जो कि रेडियस होता है वह ब्रह्म स्थान माना जाएगा। चलिए, एक और कॉलर है दिल्ली से हंसराज, उनसे हम बात करेंगे। हंसराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। जी नमस्कार।
अच्छा, मेरा घर है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जी, एक बेडरूम है साउथ वेस्ट में, एक है नॉर्थ वेस्ट में जी। ओके, किचन मेरी साउथ ईस्ट की है, तो हमारे घर में जो है ग्रह क्लेश वगैरह रहता है, इससे कुछ है आप तुम्हारा आटर है कुछ ग्रह क्लेश आता है। देखिए, आपने जो वास्तु बताई है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने टॉयलेट्स की दिशा हमें नहीं बताई है, हो सकता है कोई टॉयलेट आपका नॉर्थ ईस्ट में आता हो या साउथ ईस्ट में कोई पानी का सोर्स हो, अंडरग्राउंड पानी की टैंकी, ओवरग्राउंड पानी की टैंकी हो, इन्हें ठीक कीजिए। और ओवरऑल जो शांति के लिए आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करना है और समुद्री नमक से पोंछा लगाना है। और आज का पब्लिक शो बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं किसी पुरानी जटिल बीमारी से तो कैसे राहत मिल सकती है, क्योंकि वास्तु में इसका भी निदान होता है। थोड़ा सा इंतजार करना है और इंतजार किया, बस कुछ ही क्षण लगे हैं, अभी हम लगे इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल समिता हमारे साथ थाने से एक मेल है बाकी जगह, और उस मेल पर हम चर्चा करेंगे। अपने घर के बारे में बताती है कि उनके घर का जो मेन डोर है साउथ वेस्ट कॉर्नर की वेस्ट वॉल पर इनकी किचन का वाटर है सिंक, और साउथ ईस्ट कॉर्नर में इनका जो है सिंक है, वो बताइए कि इसका क्या उपाय हो सकता है। मैं मेल दोबारा दोहरा देती हूँ, इनका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है मेन डोर है वहाँ, और जो इनका वॉल है उसके साथ इनका जो वाटर का सिंक है साउथ ईस्ट में ही सटा हुआ है। ओके, तो क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं ये बताएं। देखिए, शायद मेरे ख्याल से यह मेल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। साउथ वेस्ट में मेन डोर बताया, मेन गेट बताया, उसके लिए तो आपने स्वस्तिक लगाना है, तांबे का डार्क ब्राउन कलर करना है, लेकिन साथ में ही साउथ ईस्ट की वॉल जुड़ नहीं सकती है। तो साउथ ईस्ट इसमें वाटर है तो आप कार्नेलियन स्टोन यहाँ पर रख सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं ऐसे खास उपायों के बारे में जो आपकी शादी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, शादी अगर आपकी बात नहीं हो पाई है, उम्र हो चली है, लेकिन शादी से अभी तक आप महरूम हैं, तो कैसे आपकी शादी करवाएगा वास्तु, आज हम यही बता रहे हैं। एक मैजिकल ट्रिप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बढ़ते आगे और दूसरा मैजिकल ट्रिप बता रहे हैं। दोस्तों, टू बी जो ब्राइड हैं, जिनके लिए आप वर देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, ग्रूम देख रहे हैं, उनका कमरा, ब्राइड का कमरा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट एक एयर डोमिनेंट एरिया है, यहाँ कोई भी ज्यादा टाइम तक टिक करके नहीं बैठ सकता है। कभी कभी होता है एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होने से, जॉब में पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी होने से आपको जो लड़का है वह अच्छा नहीं मिलता, अपने मुकाबले का नहीं मिलता, तो भी यह रूम सपोर्ट करता है और आपके लिए चांसेस को क्रिएट करता है। ध्यान दीजिएगा, रूम में, बेडरूम में मिरर आपने नहीं लगाना है। और शादी के लिए सबसे अच्छा कलर पिंक माना जाता है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा कलर पिंक माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन अगर आप करवाएंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्बो बनेगा, जो कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी करेगा जी। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरसे और आपके घर से पितृ दोष भी निकल जाए, तो उसके लिए आज के वास्तु एलिमेंट का आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ गायत्री, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार। पूछे, सवाल पूछे जी। अपना शादी के बारे में पूछना चाहता है जी। जी बताइए। चलिए कि गायत्री जी जानना चाहती है, शादी से जुड़े हुए अगर किसी के घर में अगर इस तरह की समस्या चल रही है, और एलिमेंट की अगर बात की जाए, अगर गायत्री जैसे जितने हमारे दर्शक हैं उनका सवाल स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाया है, तो क्या एक एलिमेंट जो शादी से जुड़ा हुआ हो सकता है रख सकते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि नॉर्थ ईस्ट को आप ठीक करें, मंगल कलश स्थापित अगर आप करते हैं तो जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, जो दिल में होती हैं, जो प्रेजेंट मनोकामनाएं होती हैं, वह पूरी होती हैं। तो मंगल कलश नॉर्थ ईस्ट में आप स्थापित करें। और हमारे साथ नागपुर से हैं विनोद, उनसे हम बात करेंगे। विनोद जी, स्वागत है आपका। सर, मेरे को ये जानकारी चाहिए, मेरा घर है दक्षिण में थी। ओके, और अभी यानी मेरा मकान था पुराना, यानी करीबन 50 साल पुराना, तो अभी मैंने थोड़ा सा मकान को रेवेन्यू करा हूँ जी। तो अभी यानी ये समझिए जब से मकान बना है तो थोड़ा घर में पॉजिटिव एनर्जी आई है, पर कई चीजों में जैसे बिजनेस बोलो या और कोई शादी वगैरह या घर में मेंटली डिप्रेस रहता ही आदमी से सर उसमें जी। आप कहना चाह रहे हैं कि मैरिड लाइफ में आप डिप्रेस्ड हैं और एंग्शियस फील करते हैं, टाइगर स्टोन रॉक अपने नजदीक रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा।
और नॉर्थ को खाली रखें आप, ताकि आपके अंदर एनर्जी खूब रह सके जी। और चलिए बिल्कुल वक्त हो चला है दीपक द शो का। आज दीपक द शो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पुरानी से पुरानी बीमारी आपकी दूर हो सकती है, लेकिन ये ट्रिप ऑफ द शो क्या है आइए जान लेते हैं। दोस्तों जो दवाइयाँ होती हैं, और कभी कभी हम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जैसे घरेलू नुस्खे हैं और रेगुलर लेते हैं, शहद को लेते हैं उसके साथ काली मिर्च या कुछ भी ऐसा लेते हैं जो कि हमारी डेली की यूसेज है, लेकिन वह आएगी औषधि में। तो जितनी भी मेडिसिन हैं, औषधि है चाहे घरेलू नुस्खे हैं, उन्हें आप नॉर्थ ईस्ट में रखें। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही पोटेंट डायरेक्शन होती है, आपकी जो मेडिसिन यहाँ पे रखी होती है ऐसा होने से यहाँ पे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप ध्यान रखें कि जितनी भी दवाइयाँ हैं उन्हें छुपा करके भी रखना अच्छा माना जाएगा जी। और चलिए यहाँ पर रुकने वाले हैं हम थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल शाम के कार्यक्रम की, मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। आप शाम को 4:27 पर कल देखेंगे कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दरार आ रही है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। 5 मैजिकल टिप्स आपके लिए होंगे कल के शो के लिए। और अभी फिलहाल देखिए कार्यक्रम जल्द लौटते हैं वापस ब्रेक के बाद। सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। क्या आपको मालूम है शादी के बाद कई बार कुछ समस्याएं आ जाती है जो लाइलाज नहीं होती और ना सही हमसे कहें। अशोक क्लिनिक चांदनी चौक दिल्ली। खबरें सीधी सटी भरोसेमंद। के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे शादी का जो ये बंधन है वास्तु के साथ कैसे कनेक्टिविटी रखता है। वास्तु दोष अगर से संबंधी आपके घर में है तो शादी में डिले हो जाता है। और आप कितने भी तरीके से परफेक्ट क्यों ना हो, हर तरीके से सर्व गुण संपन्न क्यों ना हो, चाहे आप बेटा है या बेटी, तब भी कहीं ना कहीं देरी हो ही जाती है। तो क्यों ना ऐसे उपाय कर लिए जाए जिससे कि आपकी शादी भी जल्दी हो जाए, लेकिन उपाय सारे जुड़े होंगे वास्तु से। जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत सावला हमारे साथ हैं जो ये तमाम उपाय आपको बता रहे हैं। अभी दो उपाय हम जान चुके हैं, चलिए अब जान लेते हैं अगला स्टेप यानी कि फिफ्थ नंबर 3। दोस्तों बहुत पेनफुल होता है अगर आपकी शादी पक्की हो गई, बात तय हो गई और फिर उसके बाद कोई ना कोई ब्रीच हो जाए, कोई ना कोई बात टूट जाए। सगाई होने के बाद भी कभी कभी शादी टूट जाती है। ऐसा तभी होता है जब आपके साउथ ईस्ट में कोई डिफेक्ट होता है। हो सकता है आपकी एक पानी की जो मशीन है, जो कि कपड़े धोने वाली मशीन है या डिश वॉशर है या कपड़े धोने की जगह जो नॉर्मल होती है या बर्तन धोने की जगह साउथ ईस्ट में आती हो। आपका एसी साउथ ईस्ट में लगा हुआ है, आपका फ्रिज साउथ ईस्ट में है, कूलर है जो पानी का है वह भी साउथ ईस्ट में है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। पानी की जितनी यूसेज है साउथ ईस्ट से हटाएं। नहीं कर सकते हैं तो 9 कार्निलियन स्टोन्स यहाँ पे रखें आप।
और गुजरात के सूरत से हमारे साथ एक कॉलर है नीता, उनसे हम बात करेंगे। नीता जी स्वागत है आपका। हेलो जी। जी मेरा भाई अभी कॉल कर लिए थे और मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, फ्लैट है मेरे।